हे गाइस, वेलकम टू ग्रेट गुरु सपोर्ट चैनल। मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र। आज हमारे पास आया है डेल का एक लैपटॉप कोर i3। कस्टमर की दिक्कत आ रही है, इसमें कीबोर्ड और माउस पैड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आज वीडियो में हम बताएंगे इसको कैसे रिपेयर किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद आए तो डिसलाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको एंड में बताऊंगा कितनी कॉस्टिंग आई है इस लैपटॉप के कीबोर्ड और माउस पैड को रिपेयर करने के लिए। पहले हम इसको पूरा अच्छे से चेक करेंगे, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास है डेल का कोर i3 लैपटॉप। इस पे हमने स्टार्ट करके देखा तो माउस पैड और कीबोर्ड दोनों ही वर्क नहीं कर रहे हैं। वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद आए तो डिसलाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो सबसे पहले हमें लैपटॉप को ऑफ कर देना है। लैपटॉप खोलने से पहले उसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया जाए ताकि कोई भी शॉर्टिंग की समस्या नहीं हो। लॉक्स पीछे होते हैं, बैटरी पीछे से निकल जाती है। बैटरी को साइड में निकाल लेते हैं। कीबोर्ड जब भी हम गीले हाथों से, पसीने के हाथों से, या अगर कुछ चिकना लगी हुई हाथों से अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो हमारा कीबोर्ड शॉर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा कीबोर्ड वर्क नहीं करता है। फर्स्ट लॉक यहाँ लगा होता है, बड़े ही आराम से हमें इसको खोलना है और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद आए तो डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेकंड लॉक इसका यहाँ होता है, बड़े ही आराम से इसको खोलना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो लैपटॉप की फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, वापस फिटिंग प्रॉपर नहीं होती है। यहाँ पे एक थर्ड लॉक है, उसको भी बड़े आराम से करना है। हमेशा टूल अच्छा यूज़ करें, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, नज़दीक में शॉप पर मिल जाएगा। ये लैपटॉप हमारे पास पाली से बंदे ने भेजा है, हमारे पास कोरियर से। अगर आपकी भी कोई मशीन में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे को भेज सकते हैं, हम उसको देख के आपको एस्टिमेट बता देंगे। तो इसका कीबोर्ड बाहर निकल चुका है, इसको आराम से पीछे करेंगे तो इसके पीछे इसका कनेक्टर और लॉक लगा होता है, तो हम इसके कनेक्टर को बड़े आराम से निकाल लेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले हम ये चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कीबोर्ड इसका शॉर्ट है या ख़राब है कि नहीं है, उसके बाद में हम बोर्ड लेवल पे जाएंगे। लगा देते हैं वापस की बैटरी और चेक करते हैं क्या यहीं से प्रॉब्लम आ रही है। माउस पैड को भी हम खोल कर देखेंगे। हमारी फर्स्ट प्रायरिटी रहती है कि छोटे मोटे पार्ट से ही रिपेयर हो जाए, जैसे कीबोर्ड माउस रिप्लेसमेंट से ही हमारा काम हो जाता है, तो हम पूरे लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लाइट आ गई है, मतलब लैपटॉप ऑन हो गया है, डेल का लोगो भी आ गया है। कस्टमर की एक प्रॉब्लम और थी इसमें कि ये काफ़ी धीरे चल रहा है और स्टार्ट होने में टाइम लेता है, तो शॉर्टिंग अगर लैपटॉप के अंदर है तो वो धीरे चलेगा। अभी ये स्टार्ट भी जल्दी हो गया है। अभी हम इसका चेक कर लेते हैं माउस पैड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी वर्क नहीं कर रहा, तो अभी हमारा माउस पैड वर्क कर रहा है, मतलब हमारे कीबोर्ड में ही शॉर्टिंग थी। हमने इसका कीबोर्ड दूसरा हमारे पास है तो हम इसको चेंज कर देंगे। अभी हमें इसकी माउस पैड की रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कीबोर्ड के चक्कर में ही वो माउस पैड भी वर्क नहीं कर रहा था, तो अभी हम इसका माउस पैड कीबोर्ड रिप्लेस कर देते हैं। दूसरा कीबोर्ड हमारे पास पड़ा है सेम मॉडल का, आपको इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन।
पर्टिकुलर मॉडल इसके पीछे लिखा होता है उसी मॉडल के मंगाएँ आप ऑर्डर करें। बैटरी को निकाल लेंगे ताकि शॉर्टिंग का इशू ना हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद आए तो डिसलाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को हमारे, आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है और भी वीडियो बनाने के लिए जोश मिलता है। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। कीबोर्ड आपको तकरीबन 1300 से लेके 2000 के बीच में मिल जाएगा इजीली आपको ऑनलाइन, और माउस पैड इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं तो माउस पैड अपन चेंज नहीं कर रहे हैं। कनेक्टर इसको प्रॉपरली आराम से लगाएं, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। देखिए लग गया है और इसको लॉक कर देंगे। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगर आपको भी कोई कंप्यूटर या लैपटॉप रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा उसका वीडियो बनाकर आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ। अगर आपकी भी कोई मशीनरी में लैपटॉप कंप्यूटर में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें भेज भी सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज से जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हमारा पेज है, आप वहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। बड़े आराम से इसको वापस कीबोर्ड को लगाना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो फाइनल टेस्ट करते हैं कैसा है हमारा कीबोर्ड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। पावर की इंडिकेशन आ गया है, चलिए कीबोर्ड को टेस्ट करते हैं। तो पहले से फास्ट भी हो गया है शॉर्टिंग हटने के और हमारा कीबोर्ड भी वर्क कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।